हाय गाइड, हम आज सुंदरगढ़ जिला का 35 किलोमीटर का दूर में है रेंगाली डैम तलसरा का आसपास में है। हम आज जाएंगे वहीं घूम के देखेंगे एक नज़ारा जो कभी कभार देखने को मिलता है। तो ये सीन देखने के लिए हम चलते हैं सुंदरगढ़। पहला सुंदरगढ़ से 35 किलोमीटर दूर करमडीह से बाएं तरफ काट के छत्तीसगढ़ रोड में हम चले जाएंगे सबडेगा। सबडेगा का आगे तलसरा विलेज है। तलसरा विलेज से ठीक तलसरा थाना का पास, स्कूल का पास से हम राइट साइड टर्न लेके 2 किलोमीटर दूर जो तलसरा डैम है वहीं हम चलते हैं। आओ उसका नज़ारा उपभोग करते हैं। वर्तमान हम पहुंच गए हैं तलसरा डैम के पास। आप ये नज़ारा देखते होंगे। तलसरा डैम शुरू हो गया है, उसका मिट्टी का रास्ता जो है वो अभी दिखना शुरू हो गया। सामने आपको दिखाई देता होगा जो डैम का नज़ारा है ये। और इस साइड में जो जिस साइड में हम जा रहे हैं इसी साइड में उसका जो ओवरफ्लो वाटर है वो इस साइड में छोड़ा गया है जो तलसरा का साइड में है। और इधर भी एक केनाल है। हम यहाँ अभी देखेंगे इसका नज़ारा जो डैम से पानी छोड़ता है और उसका नज़ारा कैसे रहता है। एकदम सुंदर सा नज़ारा है, आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने। देखिए 3 ठो गेट खुला हुआ है और तीनों गेट का पानी इतना जोर निकलता है जो छोटा सा नदी में वो तब्दील हो जा रहा है। कम से कम 10 फुट 12 फुट का पानी वो नदी में जाता है ये 3 गेट में। कुल मिलाकर यहाँ 6 गेट है। हम कोशिश करेंगे आपको व्यू दिखाने के लिए। यहाँ बहुत सावधानी बरतना पड़ता है, छोटा सा सकरा सा रास्ता है। हम कोशिश करेंगे आपको व्यू दिखाएं। हम लोग कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट करूं वो नीचे उतर के उनको दिखाएं। ये इस ओवरफ्लो साइड का एक तो केनाल का लॉक गेट है जो दिख रहा है आपको। आगे से हम वो जो दिख रहा है नज़ारा वहीं नीचे उतर के आपको वो व्यू शूट करके दिखाएंगे। बहुत सुंदर सा नज़ारा है। जिस साल ज़्यादा बारिश होता है ये नज़ारा लगभग देखने मिलता है, नहीं तो सालों साल इंतज़ार करना पड़ता है। यहीं का आदमी जो लोग हैं वो नज़ारा देख पाते हैं, बाहर से जो आते हैं वो तो नसीब वाले ही देख पाते हैं। कभी 3-4 साल में 1-2 घंटा 5 घंटा या 10 घंटा ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये गेट से पानी कितना ज़ोर से निकल रहा है और उसका फोर्स देख लीजिए। ये इधर का सिंगल गेट है और उस टाइप 2 गेट है बाएं तरफ। तो हम कोशिश करेंगे आपको पूरा व्यू, इसका फोर्स भी इतना ज़्यादा है जो देखने मात्र से पता चल जाता है। तो हम जो ये केनाल है बाएं तरफ जो डैम का बगल में है उसको हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए वहाँ भी कितना जोर पानी फुवारा की तरफ निकल रहा है। तो ये नज़ारा कभी कभी देखने को मिलता है। आप अभी क्लियर कट देख सकते हैं, हम नीचे तरफ आ गए हैं तो 3 ठो गेट खुला हुआ है, उधर का 2 ठो और इधर का। कुल गेट यहाँ 6 ठो है। पूरा उधर किनारे का 1 गेट बंद है, उसका बाद 2 खुला है, उसका 1 बंद है, उसका बाद 1 खुला है, फिर और 1 बंद है। ऐसे 3 गेट बंद है और 3 गेट खुला हुआ है। 3 गेट जो खुला हुआ है उन्हीं का पानी इतना जोर है और पूरा का पूरा अगर 6 गेट खुल जाएगा तो नीचे तो पूरा ही पूरा पानी ही पानी हो जाएगा, सब भर जाएगा। गांव तक नीचे जो बस्ती है सामडगर बस्ती है वहाँ से भी नज़ारा बहुत बढ़िया दिखता है। ये पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण उतना जल भराव नहीं होता है जितना समतल क्षेत्र
जैसे कटक, भुवनेश्वर या कलकत्ता लाइन में होता है, जैसे समुंदर किनारे किनारे समतल जमीन पाया जाता है, तो इसे इधर कोई दिक्कत नहीं होता है, वो नाला में बह जाता है, उतना खेती भी बर्बादी नहीं होता है, उसका स्पेशल नाला रहता है। तो ये नज़ारा जो है ना, ये देखने के लिए बहुत आनंद लगता है। जो प्रकृति प्रेमी लोग हैं वो इसको देखने के लिए आते हैं, और आप देख सकेंगे, हम उन लोग को थोड़ा एवॉइड करते हैं, उतना नहीं दिखाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, कहीं कहीं देखा दिख जाएंगे। देखिए कैसे फुब्बारा बन रहा है जल में, कैसे स्पीड कितना था। तो हम अभी पूरा नीचे आ चुके हैं डैम से, लगभग 1 किलोमीटर नीचे। तो अभी और एक बढ़िया सा नज़ारा मिलेगा हमको। यहाँ देखिए, हम नीचे जब हैं तो यहाँ कोई भी हमको नहीं दिख रहा है। अभी स्पष्ट रूप से आप देखें, हम जूम करके दिखाएं पहले सीन से, ये वहाँ कोई भी लगभग एक्का दुक्का आदमी छोड़ के आपको किसी को भी नज़र नहीं आता था। तब अभी कुछ समय का बाद, जब ये गेट, पानी का गेट ये बंद होने वाला है, हम पता किए थे, तो ये गेट बंद हो जाएगा। तो ये गेट जब बंद हो जाएगा, ये पानी का जो धार है बहता है, ये एकदम धीमी हो जाएगा। यहाँ जब ही रोड का, ये रोड ओवरफ्लो हो रहा है, यहाँ कम से कम 10 फीट ऊपर पानी है। तो ये रोड, ये तो इधर कोई जाने के लिए दिक्कत हो रहा है। तो जब पानी बंद हो जाएगा, तभी यहाँ 1-8 फुट का अंदर पानी आ जाएगा, या नीचे का नाला से बह जाएगा, ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तो ये नज़ारा थोड़ा कैमरा में इतना मज़ा नहीं लगता है, जो असली में, हकीकत में जो आप देखेंगी, तभी आपको देखने का आनंद 10 गुन बढ़ जाएगा। आदमी तो कोई कोई बैठे बैठे वहाँ रह जाता है, सीन देखते देखते रह जाता है। इससे और एक मज़े का बात है, यहाँ आपको ये जो डैम का ओवरफ्लो वाटर है, उसका बाद उस साइड में उसका डैम है जो लगभग 1 किलोमीटर लेंथ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उस साइड में आप वो डैम का नीचे तरफ जो है वो आप पिकनिक कर सकते हैं। कम से कम वहाँ 50-50 जगह ऐसे खाली है, पेंडल बना हुआ है, पेड़ का छांव है, तो यहाँ 50-50 ग्रुप एक ही साथ में, 5-10 जन का ग्रुप वहाँ पिकनिक आराम से कर सकते हैं। जैसे ये कोई कोई त्यौहार होता है, छाड़खई वगैरह यहाँ एकदम खास त्यौहार होता है, उसका बाद जनवरी का 1 तारीख जो है पिकनिक के लिए ठंडे का दिन, लगभग यहाँ पिकनिक आते जाते रहते हैं लोग। तो हम अभी आ गए हैं डैम का दूसरा किनारे में। दूसरा किनारे भी ये एक ठो लॉक है, जो दूसरा किनारे को खेती को सींचने के लिए पानी इधर से जाता है। तो ध्यान देने वाला बात ये है, देखिए उधर का पूरा डैम का सटा हुआ था, और अभी इसका पूरा अंदर में है। डैम का अंदर में कम से कम 30-40 फुट अंदर में एक ठो पिलर बनाया हुआ है, और वो पिलर का अंदर उसका चाबी जो है फिट किया हुआ है। ये जो टेक्नीशियन है, ये सीढ़ी से वो जाके वहीं चाबी खोलते हैं। ये देखिए नज़ारा, दूर से आप देखेंगे पहाड़ का, ऊपर से नज़ारा देखेंगे डैम का, तो ये सुंदर कितना दिखेगा। उस पार में उसका जो ओवरफ्लो वाटर है, ये इस साइड में उसका जो चाबी, मैं जो बोल रहा था केनाल का, जो केनाल का पानी खेती के लिए जाता है, तो इसको अप डाउन करना पड़ता है। तो इसको जो टेक्नीशियन है वो आके उसको फंक्शन करता है खेती का टाइम में। आपको एक नज़ारा दिखता होगा सफ़ेद सफ़ेद लास्ट में, वो एक ठो फार्म है खेती करने के लिए, बहुत बढ़िया फार्म है। आप इधर भी देख सकते हैं, ये रेंगाली साइट है, राइट साइड में हम लोग का रेंगाली पड़ रहा है, जो रेंगाली विलेज है, जिसका नाम में ये डैम का नाम है, इसका बगल में जहाँ मैं खड़ा हूँ उसका बगल में उसका रास्ता गया हुआ है, यहीं से लगभग 1.5-2 किलोमीटर वो भी है। उधर से ये रास्ता आता है, एक डैम का ऊपर से जाता है,
और दूसरा डैम का नीचे से जाता है, जो हम लोग उस टाइम देखे थे नीचे से जो जाता है, मैं बताया था आपको वहाँ 10 फीट का लगभग पानी भराव था उस टाइम। अभी हम जब गेट बंद हो जाएगा तब वहीं फिर जाएंगे और वो नज़ारा देखेंगे। देखिए ये पहाड़ी, बगल में पहाड़ी है रेंगाली साइड में, तो ये रेंगाली साइड से ये व्यू कितना बढ़िया दिखता है। नीचे एक ठो रास्ता गया है डैम का, ऊपर से एक ठो रास्ता गया है। उतना कुछ पाबंदी नहीं है, आप छोटा मोटा जा सकते हैं, कार वगैरह में जा सकते हैं डैम का ऊपर से, या नीचे से है भी मोटर व्हीकल सब जा सकता है, दोनों तरफ आराम से आप आके ही नज़ारा घूम सकते हैं। पहाड़ी है, हल्का हल्का जंगल जैसा है, उतना भी जंगल नहीं है, ये जंगल में आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। तो अभी हम आनंद लेंगे इसका जो डैम का रास्ता है, ऊपर का रास्ता का। तो डैम का ऊपर का नज़ारा कैसे दिखता है आप ध्यान से देख लीजिए, यह हम लोग चले डैम का ऊपर से नज़ारा देखते हुए। ये जो मैं चाबी बोला था इधर कैनाल का वही है। अभी ये डैम है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डैम का नीचे रास्ता जो गया है, और डैम का नीचे में जो रास्ता गया है उसका बीच में जो ज़मीन है वहाँ बहुत सा पेड़ लगा हुआ है, और आदमी लोग यहीं आके पिकनिक वगैरह करते हैं। रोड का बाएं तरफ ध्यान दे दीजिएगा, रोड का बाएं तरफ है। अभी फिर हम आ गए हैं डैम की तरफ, क्योंकि जल्दी आ गए हैं हम। अभी हमको खबर मिला कि डैम में ये जो पानी गिर रहा है ये बंद होने वाला है। तो लगभग देखिए आप, उस टाइम 3 ठो गेट चल रहा था, 1 ठो बंद भी हो गया। हम लोग का सहयोगी जो था वो फ़ोन किया हमको कि अभी गेट बंद होने वाला है, अब जो आनंद वाला नज़ारा है वो ले सकते हैं। जैसे ऐसे देखिए ये गेट पूरा बंद हो गया, ये भी नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा, फिर कैसे बंद हुआ वो भी दिखाऊंगा, देखते रहिए। फिर हम डैम से नीचे तरफ आ गए हैं, जो सांप डगर लाइन है उधर आके हम यहीं से कैमरा को व्यू करके दिखाएंगे। और यहाँ लास्ट टाइम में एक तो मज़ेदार चीज़ दिखाएंगे, जो देखिए उस टाइम आधा घंटा एक घंटा का आगे कोई आदमी नहीं था, इक्का दुक्का कोई था। अभी देख लीजिए यहाँ कितना आदमी है, कोई जैसे मेला लग रहा है, 100-100 आदमी यहाँ एक एक ठो जाल पकड़ के आ गए हैं। और जब डैम बंद हो गया पानी, तब यहाँ मछली का अभी भरपूर पकड़ेंगे ये लोग, एकदम मस्त पकड़ेंगे। कोई 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो ऐसे भी बताते हैं, कोई कोई 10 किलो वाला भी पकड़ लेते हैं। तो पानी जब पूरा सा, देखिए यहीं पानी भरा हुआ रहता था उस टाइम, हमको जब वीडियो का शुरू में दिखाए थे यहाँ पानी भरा हुआ था, जूम करके भी दिखाएं, लेकिन अभी पूरा गेट बंद हो गया है। आप देखिए यही जो रोड मैं बोल रहा हूँ, तो नीचे तरफ से जो आ रहा था इसमें आप आ जा सकते हैं, अभी पानी बहुत कम गया है, अभी 1 फुट 1.5 फुट ऐसे है। और यहाँ वो जो रास्ता है उसका ऊपर में थोड़ा सा तालाब जैसा पानी भरा बन जाता है। तो यहाँ आप मछुआरों तो नहीं बोल सकते इन लोग को, ये लोकल आदमी है, ये कभी प्रोफेशनल मछुआरा है ही नहीं ये लोग।